मेघा जी कह रहे हैं वर्तमान परिस्थिति बहुत निराश करती है, क्या किया जाए इसे सनातन। नहीं, बिल्कुल निराश नहीं करती वर्तमान परिस्थिति। हमने अभी आपको औरंगजेब वाला बताया और क्रूर आतताई था हिंदू जागृति से, क्योंकि आप देखिए आपको मैं उदाहरण देता हूं मेघा जी। यही सरकार थी, कश्मीर फाइल रोकी जा रही थी, सेंसर बोर्ड ने अटकाया, आप खड़ी हो गई यानी जनता खड़ी हो गई उसके पक्ष में जब रिलीज हुई, चुनाव में रोक दिए गए यूपीएल के चुनाव में, हुआ तो निकल जा रही, लेकिन जनता जब फेनोमेना बना दी सब पॉलिटिकल लीडर खड़े हो गए ऐसे फोटो खिंचवाने के लिए कि हम भी साथ में, हम भी साथ में, आप खड़े हो जाइए। अरे ये तो वोट चाटू लोग हैं, ये तो आपके पक्ष में ऐसे कोट पे जनों पहने घूमे, त्रिपुंड लगाए घूमे, जनता खड़ी हो जाए बस। आप देख लीजिए अभी कन्वर्जन फिल्म को इतना दिन से रोके रखा, गुजरात की ही एक लेडी काजल हिंदुस्तानी ब्रांड नेम मेड डरती थी, रोके रखा रोके रखा, वो उनके उसको सफलता उतनी नहीं मिली, कहानी वानी भी मिल जाए, अभी सब सब खड़े हो जाएंगे, वो सब रोकने वाले खड़े हो जाएंगे, आप खड़े होइए। ये नेता तो भाग, इनको तो वोट के भिखारी हैं, ये तो दौड़े दौड़े आपके पीछे खड़े होंगे, रोटी का टुकड़ा दिखा दो, हड्डी दिखा दो, स्वान दौड़ता है ना। नेता सारे एक लग प्रवृत्ति के हैं, किसी पार्टी के हो, आप बस जग जाओ, आप अपने धर्म को धारण कर लो, आप देखो इन नेता आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे, बस हिंदुओं को जगा दो, असली काम है हिंदुओं को जगा दीजिए, नेताओं को भूल जाए कौन नेता है एक्स वाई जेड, क्योंकि शासन वैसा ही चला रहे हैं, गांधी टू अभी तक वही चल रहा है, कुछ भी नया नहीं, कुछ भी नया नहीं। इसलिए आपको सीधा सा हिंदुओं को जगा दो, हिंदू जिस लाइन पे जाएगा नेता दौड़े दौड़े पीछे आएंगे, अभी क्या हिंदू नेता के पीछे जा रहे हैं, होना ये चाहिए कि हिंदुओं के पीछे नेता जाए, नेता मुस्लिमों के पीछे जा रहे हैं, मुस्लिम नेता के पीछे नहीं जा रहा, नेता सब मुस्लिम के पीछे जा रहे हैं, नेता सब पोप के और ईसाइयों के पीछे जा रहे हैं, पोप नहीं आ रहा इनके पास, लेकिन हिंदू का सब नेता वो सारे हिंदू नेताओं के पीछे जा रहे हैं, तो नेता इनको वैल्यू नहीं करता, वैल्यू तो तब करेगा जब आप अपनी वैल्यू समझो, जिस दिन आप अपनी वैल्यू समझ जाओगे सारे नेता आपको वैल्यू करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है, ओरिजिनली बताऊं, शपथ ग्रहण हो रहा है कुछ हो रहा है, यहाँ सबके बाबा फोन करते हैं वीआईपी पास दे दो, जिनको बाबा को लोग, ये जितने बाबा सब घूम रहे हैं ना बाबा जी सब, तो ये सब बेच आते हैं अपने अपने शिष्यों को, बेच आते नेता के चरण में, इसलिए जागृत आप हो जाइए, देखिए कैसे नहीं जगते हैं ये। कश्मीर फाल तो मेरे केस जो दूसरा है, जिसको रोक रहे थे जब वो हिट हो गया तो सबने दांत निपोड़ के फोटो खिंचवा दी, तो दांत निपोड़वा और सब और सबका, आप इतनी बड़ी जागृति पैदा करते हो कि आपके पीछे पीछे दौड़े, पहले स्वयं पे काम करना, ये सनातन ने कहा, हम पहले दूसरे पे काम करने जाते हैं, हम समाज सेवा करने जाते हैं, हम स्वयं की सेवा पहले नहीं कर रहे, हम स्वयं में जागृत होंगे तब समाज को जगा सकते हैं, घर में हमारे दीपक जलेगा तो हम पड़ोस के घर जला सकते हैं, हम पहले पड़ोस के घर जलाने दौड़ रहे हैं, यही गलत थ्योरी। सनातन करा पहले अपने घर में आप प्रकाश उत्पन्न करो, पहले स्वयं में प्रकाश भरो फिर दूसरों को प्रकाश, जब तक खुद ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे दूसरों को क्या दोगे, हम उनके पीछे भाग रहे हैं जिनके पास 2.5 पैसे के ज्ञान नहीं, वोट के अलावा कोई ज्ञान ही नहीं उनको, नेता नेता वर्ग को,